एन, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। कहाँ रहते हैं? सूरत डिस्ट्रिक्ट। आप परेशानी है? डॉक्टर नजर नहीं आता है सही से। कितने साल से आपको नजर नहीं आता? 5-10 साल हुए, दिन को भी पाए आपको नजर नहीं आता है। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबियां जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग शुरुआत होती है। जीवन अंधकार में। दिन में कब से कम दिख रहा है? 5-6 साल हुए। कुल मिला के आपको 16 साल हो गए कम दिखते? जी जी। आपको हाथ पकड़ के चलने की मोहताजी कब से आ गई? 4-5 साल हुए सर। हाथ पकड़ के चलना पड़ता है आपको? रात को बेले चलना पड़ता है हाथ पकड़ के, तो दिन को अभी अभी शुरू हुआ। दिन में कब से होगी? अभी शायद 3-4 साल हुए। अकेले पैदल नहीं चल सकते, ना दिन में ना रात। बीच में आपकी कोई ऐसी स्थिति आई थी कि आपको आइट साइट का दिखना बंद हो गया था? बाईं आंखें मेरी, उसमें सिर्फ मैं सीधा देख सकता हूँ, वो साइड में कुछ नहीं नजर आता है। और बाईं आंख में आपको मैं देख रहा हूँ, बाईं आंख से की लाइट दिख रही है, लेकिन फ्रंट नहीं दिख रहा, फ्रंट कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ फ्रंट है और साइड पे कम है। तो आपने जब से परेशानी शुरू हुई है कहाँ कहाँ दिखाया? बताया, सूरत में बताया, नौसारी बताया, बड़ोड़ा बताया था। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको? रिसर्च अभी उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऋषभ जैन के बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? रिश्तेदार है, उनके दोस्त थे यहाँ साउथ अफ्रीका से, उन्होंने बताया कि यहाँ डॉक्टर है उज्जैन में, आप चेकअप कराओ, इसी वजह से कॉन्टेक्ट से हम यहाँ आए। अफ्रीका के जो पेशेंट आए थे जी, उन्होंने उनके मित्र ने आपको बताया? हाँ बताया जी। यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ती? उंगली दिखाई पड़ती मेरी जी। अब नहीं बोलना चाहिए। हाँ कितनी है? कितनी है? अब करीब नजर नहीं आई, नहीं आ रहा है जी। वो दूसरी आंख से देखिए, इससे कुछ भी नजर नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं, इससे नजर नहीं आता। अभी आपको सामने से नहीं दिख रहा इस आंख से? नहीं, कुछ कुछ नहीं। आप तो भाईजान सभी दूर से आपको हताशा मिली है, आपके जीवन में अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। तमाम डॉक्टर से एक से मिले, लेकिन आपको हर जगह ठीक है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, खोज चल रही है जी। दिखे तो बताइए, नहीं दिख रहा तो कोई नहीं। तो भाईजान आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, और साथ में कलर ब्लाइंडनेस भी है। कलर आपको पहचानने में नहीं आ रहा जी। ठीक, आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। हाजी, क्या नाम है आपका? इम्तियाज भाई। आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ जी। देखते हैं आपको क्या फर्क आया है। इम्तियाज, देखें सामने क्या लिखा। ई डी एन यू सी एच एफ ए एल ए एफ। बधाई हो। आप जब आए थे इम्तियाज भाई, तो आपको क्या दिखाई पड़ता था? उंगली भी नहीं सकते चश्मे से जी। ठीक, मात्र एक कोर्स के बाद अल्लाह ने आपको वो बख्शिश दी है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। वो उनका इतना कर्म आपके ऊपर हो जाएगा कि आप 4 लाइन पढ़ने लगे जी। 4 लाइन का मतलब है 24 मीटर। 24 मीटर जी। और 24 मीटर का मतलब है लगभग 80 फीट आपकी नजर पहुंच गई है जी। ठीक, तो आपकी नजर 80 फीट पहुंच गई है। लेफ्ट आंख, आज एक सबसे बड़ी चीज हुई है कि आपको रंग भी दिखना शुरू हुए हैं जी। को 12 नंबर अभी दिखा। आपने जो भी लोग यहाँ आए उनके कपड़े भी बताए हैं कि ये काले कलर के पहने हैं या हरे कलर के कपड़े पहने हैं जी, है ना जी। तो ये एक तब्दीली है आप में कि आप लोगों को पहचान रहे हैं, सबके कपड़े ड्रेसअप भी पहचान रहे हैं जी। लेडीज है, जेंट्स है, ये पहचानना शुरू कर दिए हैं। इमेज आपकी दिमाग में बनना शुरू हो गई है। तो आप दुनिया के लोगों को जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहूंगा कि मैं डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन मध्य प्रदेश, यहाँ जाके मुझे काफी फर्क हुआ, इलाज किया एक हफ्ते तक। आपको इतना फर्क आना शुरू हुआ कि आप दुनिया पुनः पहचानने लग गए। इस तरह का कोई भी मरीज जो आपकी तरह अपने मामा या पिताजी का हाथ पकड़ के आते हैं, क्या उनको रोशनी बढ़ सकती है? जी बढ़ सकती है। दूसरा कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है उसको रोशनी बढ़ सकती है जैसी आपकी बड़ी बड़ी। बहुत बहुत बधाई हो नए साल की आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, और देश के उन लोगों को जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, वर्षों से अंधत्व का जीवन जी रहे हैं लेकिन हताश हो चुके हैं, क्योंकि हर जगह कहा जाता है इसका कोई इलाज नहीं है। आज आपकी और उन तमाम लोगों की जीत हुई जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो नया साल आपके लिए सौगात लेके आया है। अल्लाह का कर्म है कि आप ठीक होने की तरह अग्रसर हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह इलाज किया, इस पर हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी तरफ से, मेरे मामू बीवी सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हस्बैंड से सुन बीमारी थी, दिखा तो नहीं। तो आप 7 दिन इलाज किया, इसके बाद इनको कैसा हो गया, क्या फर्क अच्छा हुआ? थोड़ा फर्क हुआ है, पहचान लेते सबको, पहचान आवाज से पहचानते थे, बात करते थे तो पहचानते आवाज से पहचानते थे हाँ। है ना, आपकी आवाज से पहचानते थे हाँ। घर में किसी को भी ये पहचान
नहीं पाते थे। कितने साल से ये स्थिति थी? 3-4 साल से ये बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। हाँ। है ना, हर काम में आपकी या आपके परिवार में किसी की मदद चाहिए होती थी। हाँ। मतलब लेटरिन बाथरूम से लेके खाना खाने तक सब इनको हेल्प करना पड़ता है। हाँ। तो आज इनको कितना दिख रहा है? है ना, यानी करीब 80 फीट तक इनकी नजर आ गई है। और ये सभी लोगों इनको दिखता नहीं था, आज ये सब दिखने लग गया है। तो 9 वर्ष का ये तोहफा है आपके लिए जो आपको उज्जैन आकर मिला है। हाँ। तो आप देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से, गुजरात के लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि इस बीमारी का इलाज है? होते हुए किसी को नहीं दिखे उसमें डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, दिखाते हैं, है ना। ठीक, बधाई हो आपको, आपके परिवार को, कि आपको नए साल का ये तोहफा मिला है। आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।